हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं आज के लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के क्या हैं। तो आज के लेट नाइट रीडिंग करने वाले हैं व्यूवर्स हम। ओके, इसमें हम आपके पर्सन के उनके करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट, उनके इंटेंशन आपको लेके ये सब जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में आज रात क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। और व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके, चलिए जानते हैं। ओके, फर्स्ट एनर्जी आई है बर्डन, रिसेप्टिविटी, माइंड, सेलिब्रेशन। टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। 3 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड एंड दी 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो आई थिंक कार्ड थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले अगर आप अपनी पर्सन की खुद की एनर्जी को अगर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हाँ ये वाइब्रेशन मिलती है कि उनके लाइफ इस समय फुल ऑफ टेंशन से भरी हुई नज़र आती है। अब टेंशन क्यों हो रही है ना, यही तो मेन क्वेश्चन निकल के आता है। अगर इंसान टेंशन में है तो टेंशन क्यों ले रहा है, क्योंकि गेट जो टेंशन हो रही है वो हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने इनको या तो क्लैरिटी नहीं हो रही थी इनके माइंड में सम काइंड की, इनको किसको चुनना चाहिए, आपको चुनना चाहिए या उस थर्ड पार्टी को चुनना चाहिए, क्योंकि इनके मन में ना तो ये आपको निकाल पा रहे थे ना ही उस थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे थे। जस्ट लाइक अ फीलिंग होती है ना कि कुछ नहीं खोना है, सब कुछ पास होना चाहिए। आप किसी को फॉरगेट नहीं कर सकते, आप लाइफ में कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपके पर्सन की गाइस मुझे एनर्जी मिल रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनके लिए कौन बेहतर है। ठीक है, किसके साथ में लाइफ इनको बितानी चाहिए, क्योंकि आप दोनों से ही प्यार मिल रहा था भाई, बहुत प्यार मिला है, आपने भी दिया है, उसने भी दिया है, दोनों ने ही दिया है। अब यहाँ पे लालच कहो या फिर ये कहो कि इनको इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप इनके ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई बोल रहे हो आप इन, क्योंकि आपके सामने ये चीज़ें आई होंगी, ऐसा तो है नहीं आई होंगी। तो फिलहाल मैं ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में है, एक तरह का बर्डन अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब इनको कुछ हद तक ही सही, पर कुछ चीज़ें जैसे कि ये समझ में आया कि इन्होंने जो डिसीजन नहीं ले पाए, ना आपको छोड़ पाए, ना उस थर्ड पार्टी को छोड़ पाए, ना वो आपके हो पाए, ना उस थर्ड पार्टी के पूरी तरह से हो पाए। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में ये पर्सन मुझे ट्रैप नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अपनी ही वजह से। इन्होंने कुछ रिश्ते ऐसे बना लिए जिनको आज इनको ढोना पड़ रहा है। ठीक है, इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है उनको, ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये पर्सन व्यूवर्स रिलीज़ कर देना चाहते हैं उस बर्डन को जो इनकी लाइफ में है, जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। अब ये जो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देखो, थर्ड पार्टी को लेकर जैसे मैंने बोला एक बर्डन यहाँ पे है, तो इनको अभी भी व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं आपको लेके कि इन्होंने आपके साथ में ही सही पर कहीं ना कहीं गलतियाँ तो की हैं। ठीक है, अभी ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, ये आपके लिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, आप किंग, ये आपके पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ वैंड की है। डोंट फील कि ये सिर्फ मेल एनर्जी है, यहाँ पे मेल फीमेल आप में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दर्शाती है कि इस पर्सन को आपकी तरफ एक आकर्षण सा हो रहा है। आप देख रहे हो दोनों ही एक तरह से जैसे कि डिवाइन काउंटर पार्ट बन रहे हो। ठीक है,
ये आप दोनों की एनर्जी हो गई। तो ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि ये पर्सन आपको इस समय काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी अपनी लाइफ में अकेला सा फील कर रहे हैं, और ये भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर गए, ठीक है। क्योंकि आपको इन्होंने इग्नोर किया, आपको मे भी हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा भी हो, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाया। तो मैं इस कार्ड को यहीं रख रही हूँ क्योंकि यू आर बोथ आर कपल, ठीक है। जब कपल हो तो किसी को अलग करना अच्छा नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर आपको रख दिया, ठीक है। आपकी एनर्जी जो भी यहाँ पे निकल के आई है, तो ये पर्सन फिलहाल व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी मीठी मीठी यादों में मुझे खोए हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं, जो अच्छे बुरे पल हैं वो। और देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि कहते ना एक ज़िंदगी क्या होती है, एक रिश्ता क्या होता है, जिस लाइक मोती की माला, अगर आप उसमें एक भी मोती अगर आपका टूट के मतलब एक धागा टूट जाए, जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, अगर वो टूट जाए तो पूरी माला बिखर जाती है ना। तो आप एक ऐसे पर्सन हो व्यूअर जो जिसने इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब इनके रिश्ते को, इनके परिवार को हो सकता है, या इनकी उम्मीदों को हो सकता है, एक माला की तरह पिरो के रखा हुआ था। जब आप हटे इनकी लाइफ में, बेशक इन्होंने निकाला या फिर आप हटे, तो आपके हटते देखो इनकी लाइफ बिखर गई है। अभी उनको समेटने में लगे हुए हैं, कैसे समेटूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं यहाँ पर आज मुझे बड़े परेशान नज़र आते हैं कि इन्होंने क्या डिसीजन ले लिए, क्या हो गया इनसे, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में इतना क्यों नज़दीकियाँ बढ़ा ली, क्यों ये उसकी तरफ चले गए, क्यों इन्होंने सही पर्सन को चूज़ नहीं किया, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, जो यही दिखाती है कि अभी फिर से इस तरह के मोड़ पे आगे खड़े हो गए हैं, जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं खुद से बहुत कुछ अब ठीक करना है, ठीक है। क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके रिलेशनशिप में बनी हुई है, थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर केसेस में नज़र आती है, लेकिन उसके होने से और आपके होने से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा था कि आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ ये अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, या आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट महसूस कर रहे हैं, या आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। अब आपके साथ में अगर आएंगे तो थर्ड पार्टी प्रेशर बना रही है, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में इस समय प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन्स बहुत ज़्यादा है, ये संभालने को मजबूर नज़र आ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि किसको कैसे बोले, कैसे समझाएं, क्योंकि दोनों ही इस समय प्रेशर बना रही हैं, ठीक है। दोनों ही पार्टी, आप भी और वो भी, तो दोनों की सुन रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि एक की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक की तरफ प्यार है, एक के साथ में ये अपनी लाइफ को देखते हैं, एक के साथ में फॉर अ टाइमिंग इसे ही पर कनेक्शन नज़र आता है, ठीक है। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील होती है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर फ़िलहाल। देखते हैं इनके मन में आपको लेके और क्या है, क्या बात है। टू ऑफ कप्स, मैंने बोला था डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग, तो जब डिवाइन काउंटर पार्ट हो यहाँ पे, तो व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में अब ये आपसे कैसे जुड़े, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें कुछ ना कुछ इनको वक्त के साथ में समझ में आया, कहते हैं ना वक्त ने ही इनको समझाया है कि इन्होंने जो पहले चुना, यानी कि जो इन्होंने चुना था जिस थर्ड पार्टी को, उसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आई, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन अपनी लाइफ में एक स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर्सन बॉटम से सिक्स नंबर की एनर्जी है, यहाँ से हम देखो सिक्स नंबर की एनर्जी फिर से हम पाते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो या फिर आप लोग अनमैरिड भी हो, तो इनका प्लानिंग है आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली को की तरह ही जीना, आपके साथ में फैमिली बनाना, फैमिली है तो उसको आगे लेके जाना, उसमें खुशियाँ ढूंढना। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन मतलब कहते हैं ना कुछ सबक लिया है, इन्होंने कुछ सबक लिया है, जो सबक इनको धीरे धीरे समझ में आया है। अब ये आपका वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं व्यूअर्स वहाँ से निकलने का, ये भी यहाँ पे नज़र आता है। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रॉब्लम तो बन गई है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है उसके साथ में कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ाई हों, काफ़ी नज़दीक हो गए हों ये उसके साथ में, ठीक है, आपके रहते हुए। तो अब उसका होना, एकदम से निकलना तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, कोई आपकी लाइफ में एकदम से आ जाता है, आप उसके साथ में एकदम से नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हो, कनेक्ट हो जाते हो, फिर उसको एकदम से सडन आप मना नहीं कर सकते, है ना। अब वहाँ पे वो भी प्रेशर बना रही है या बना रहा है, यहाँ पे आप भी प्रेशर बना रहे हो या बना रहे हो, जो भी है। तो अब दोनों ही प्रेशर में ये पर्सन अपने आप को पिसासा महसूस कर रहे हैं, कहते हैं ना कि चक्की के दो पार्टों के बीच में घुन पिस जाता है, या फिर जो भी होता है सब कुछ पिस जाता है। तो ये पर्सन फिलहाल अपने आप को वही है, दो चक्की के पार्ट हो, एक आप इस तरफ, एक उस थर्ड पार्टी उस तरफ, बीच में ये हैं जो भी है मटेरियल,
वो मुझे यहाँ पे पिस्ता हुआ नज़र आ रहा है कि इनको समझ में नहीं आ पा रहा है कहीं ना कहीं। अब जब इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, ठीक है, इनको कहते हैं ना सही रास्ता मिल जाना थोड़े टाइम बाद ही सही, पर सही रास्ता मिल जाना, कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाना, सही चीज़ें चुनाव कर लेना सही चीज़ों का। तो यही व्यूअर्स, इनके मन में इन्होंने सही चुनाव कहीं ना कहीं कर लिया है, लेकिन अब सही चुनाव जो करा है, जो इन्होंने डिसाइड किया है, उसको लेके आगे कैसे बढ़े, है ना। तो एक यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नज़र आती है, आप लोग व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप भी इस पर्सन से मे भी तब तक अटैच नहीं हो रहे जब तक आपको इन पर भरोसा नहीं हो जाएगा कि इन्होंने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है। क्योंकि आप इनसे यही कह रहे हो कि भाई उसको छोड़ो तो पूरी तरह से छोड़ोगे, ये नहीं कि आप मुझसे भी रिश्ता रखो उससे भी रिश्ता रखो, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, राइट। ओके व्यूअर्स, तो चलिए यहाँ पे मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज देखती हूँ, क्या देखते हैं क्या निकल के आते हैं। ओके सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। इनके पर्सन के मन में इनको लेके क्या है, आई मिस यू, आई मिस यू की एनर्जी गाइस फर्स्ट आई है हमारे पास। बहुत मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट। आपके पर्सन ने आपको दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया, कि इनको लग रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही और ये आपको और भी हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन हो रही हो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। क्योंकि हर वक्त थर्ड पार्टी चल रहा होगा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया जो भी है आप लोगों के बीच में। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय यही बेहतर समझा कि आपको अपने से दूर कर दें। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, आपके पर्सन आपको लेके सोशल मीडिया पे कोई शो ऑफ कर रहे हैं, मे बी किसी तरह की कोई पोस्ट कर रहे हैं जो स्पेशली आप ही के लिए होंगी, आप उनको देख भी सकते हैं। ओके अगर जो लोग अनब्लॉक हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके, ये यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इनके लाइफ में फ़िलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, इन एक्चुअल इज़ नॉट। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये आपसे कमिटमेंट और टाइम चाहते हैं, मतलब ये यही चाहते हैं कि अगर वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर ये उसको छोड़ दे तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, इस बात की अश्योरेंस चाहते हैं। मतलब इनको डर भी लग रहा है, पता चलेगा ये उससे भी जाएंगे उसके हाथ, मतलब वो भी खाली हाथ इधर भी खाली हाथ, तो एक तरह से ये फियर फैक्टर है जो डिसीजन मैंने देखा यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आता, थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ में, इधर क्वीन ऑफ वैंड है। तो भाई अगर वो आपकी तरफ आते और आपने अगर रिजेक्शन दे दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, देन वॉट क्या होगा, तो पता चला ये भी रिश्ता गया हाथ से, वो भी रिश्ता गया हाथ से। तो ये इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक फियर फैक्टर हो सकता है कि इनको अकेले रहने से डर लगता है, इनको अकेलापन डराता है काटता है, और ये अपनी लाइफ में अकेले हो जाने से या लॉस कर देने से डरते हैं। तो एक इनका ये हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास हैव आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स, तो इनकी लाइफ में हो सकता है ये बहुत अपने बचपन में बहुत अकेले रहे हों, उनको समय नहीं मिल पाया हो, मे बी अपने पेरेंट्स का, या फिर पेरेंट्स जॉब करते हों, जो भी करते हो कुछ भी हो सकता है कि इनको उनके ना तो इनके अपने लोगों का प्यार मिल पाया, ठीक है, ना ही किसी से अच्छे से बोल पाए कनेक्ट हो पाए। कुछ लोग होते हैं शाई नेचर के, ठीक है, दोस्त भी ज़्यादा नहीं होते हैं कुछ लोगों का होता है, तो जब उनको कुछ मिलता है ना तो उसको खोने से डर हो जाता है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे बाउंड्स भी नज़र आते हैं जो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी इनका जो बचपन है वो अच्छा ना गया हो, इस वजह से भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। यू मेक मी फील थिंग्स आई नेवर फेल्ट बिफोर, आपने उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं या इनको ऐसा फील करवाया है जैसा इन्होंने कभी पहले फील नहीं किया होगा, ठीक है। माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू, उनका दिल आप ही के लिए है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स तो ये है रीडिंग आपके लिए, आई थिंक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और व्यूअर्स लास्ट मैसेज हमारे पास बॉटम से निकल के आता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी तरह के कोई अप्रोच का या किसी तरह के कोई एक्शन का, ठीक है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कि हाँ मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय।